हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम जा रहे हैं मेरे मौसी के घर जो है हांकाटी धोला में, और ये है धोला सद्या ब्रिज जो आपको मैंने लास्ट वीडियो में दिखाया था। यहाँ हम उतर के हम लोग ने फोटोज़ क्लिक किए और हम जा रहे हैं मेरे मौसी के घर। हम लोग पहुंचने ही वाले हैं मेरी मौसी के गांव, और गांव की बात ही अलग है। देखिए कितना साफ़ है वहां का हवा पानी, मतलब आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते। गांव का फीलिंग ही अलग रहता है, वहां का खाना पीना सब ऑर्गेनिक रहता है। और ये है मेरा बड़ा भैया का बेटा आयुष, बहुत ही नोटी है ये। देखिए पत्थर कलेक्ट करके इधर उधर दौड़ रहा है। और ये देख रहे हैं हमारे मौसी का घर, ये अंडर कंस्ट्रक्शन है भैया लोग का घर। ये है मेरी सेकंड वाली मौसी, मेरी मम्मी की बहन। मेरी मम्मी के नेपाली कल्चर में जब पहले बार नए दुल्हा दुल्हन आते हैं घर पे, तो इस तरह से तिलक लगाया जाता है चावल का, और दोनों को आशीर्वाद देते हैं। और मेरी मम्मी के कल्चर में, नेपाली कल्चर में, लड़कियां पैर नहीं छोती बल्कि लड़कियों की छोते हैं, लड़कियों को लक्ष्मी मानते हैं। और ये हमें पैसे मिल रहे हैं आशीर्वाद के तौर से। ये मेरे मौसी के बड़े बेटे हैं, ये है मेरे बड़े भैया, और ये है मेरी भाभी, बड़े भैया की वाइफ। ये मेरे मौसी के दूसरे वाले बेटे, मेरे सेकंड वाले भैया, और ये उनकी वाइफ, मेरी भाभी। स्टार्टिंग में तमिल में गाके रोइंग छोड़ रहा है। मेरी और एक मौसी जो रोइंग में रहती है। मेरे टोटल पांच मौसी है,
अहिले मान्दे नै खेल्नु देऊ न एकछिन बोल पुरै त गर्छ ई चाहियो तपाईलाई पढे सबैजना छ बाबु अरे यी गरिरहेछ ये मेरे मौसी के छोटे वाले बेटे तीसरे नंबर वाले मैं भाई दूज में नहीं जा पाई इसलिए मैंने थोड़ा सा नियम जो होता है वो उसी दिन कर दिया था ये मेरी दो भाभियाँ सुंदर सुंदर प्यारी सी भाभी लेमन मैंगो और ये मेरी दोनों भाभी ने बनाया है डिलीशियस लंच लंच में है मटन और तिल आलू मटर का चटनी कैबेज की सब्जी उसके बाद चिकन भी था दाल था सैलेड था काफ़ी ही यम ये मेरी तीसरी वाली मौसी के घर हम लोग गए शाम को मतलब इधर तो 4:30 बजे ही अंधेरा हो जाता है हम लोग 5:30 तक गए थे ये देखिए दिवाली का टाइम था दिवाली तो ख़त्म हो गया था काफ़ी सुंदर डेकोरेशन था और ये बच्चे सारे मेरे कज़न हैं मेरे मामा के बेटे सब है भाई है और मेरे मौसी के बेटे सब है ये हम दोनों बैठ के चाय पी रहे हैं और ये नेपाली का फेमस डिश है माला रोटी नेपाली में सेल रोटी बोलते हैं और ये तिल मटर आलू का चटनी जो हम लोग एंजॉय कर रहे थे हामी हाम्रो आन्टीको घरमा आछु यो मेरो बहिनी किन हामी अहिले आन्टीको घरमा आछौँ मेरो साइली मौसी साइली आन्टी पुरा सजाएको छ हाम्रो आन्टीको घर और ये तीसरी वाली मौसी के घर पे भी हम लोग शादी के बाद पहले बार गए थे तो वही सेम रिचुअल्स होता है और ये हमारा रात का डिनर था मेरी तीसरी वाली मौसी के घर पे वहाँ फिश करी था मटन करी फ्राई काफी आइटम था दाल सैलेड चटनी बहुत ही यम खाना था और यहाँ हम थोड़ा एंजॉय कर रहे थे डिनर करने के बाद बच्चों लोग के साथ ये देखिए मैं इधर उधर कर रही हूँ कब से थोड़ा
ये है मेरे मौसा जी, इनसे हम लोग बहुत देर गपशप किए। ये वीडियो मैं आज यही एंड करती हूँ, नहीं तो बहुत ही लंबा चलेगा। जो मेरे चैनल में नए हैं प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। टिल देन बाय, टेक केयर।